सो आप भी रियल क्रिकेट 24 खेलते हो तो आप भी चाहते हो कि आपके रियल क्रिकेट 24 में ऑल टूर्नामेंट अनलॉक हो, और इन टूर्नामेंट को तो सब अनलॉक करना चाहते हैं। आरसीबी एक्शन वर्ल्ड कप, एशिया कप, टी10 लेगीज एंड पाकिस्तान लेगीज, अब बांग्लादेश और श्रीलंका सुपर भी तो है। सो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से वेलकम है एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊं कि आपको रियल क्रिकेट 24 के अंदर ऑल टूर्नामेंट कैसे अनलॉक कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको रियल क्रिकेट 24 के अंदर कैसे ऑल टूर्नामेंट को अनलॉक करना है। सो लेट्स बिगिन। रियल क्रिकेट 24 को ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे सारे टूर्नामेंट दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टोर पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे लास्ट में टूर्नामेंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको इंटरनेशनल दिखा देता हूँ, सारे मेरे यहाँ पे टूर्नामेंट परचेज्ड है। वर्ल्ड कप से ले लो, वर्ल्ड कप 2023 तक, और यहाँ पे WTC सब यहाँ पे अनलॉक आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप चैंपियनशिप सारा कुछ यहाँ पे, वर्ल्ड कप 2023-16 सब कुछ यहाँ पे अनलॉक है। मेरा एसएस ट्री सीरीज सब यहाँ पे अनलॉक है। मैं आपको यहाँ पे डोमेस्टिक में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी RCPL है अभी तक, अभी 2023 से 24 का भी आ ही जाएगा, सब यहाँ पे ऑलरेडी अनलॉक है। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा टी10 लेगीज की मैं बात कर रहा था, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टी10 लेगीज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश पाकिस्तान प्रीमियर लेगीज, यहाँ पे ये भी अनलॉक है मेरा परचेज है। और यहाँ पे श्रीलंका का भी, यहाँ पे आपको सारे कुछ यहाँ पे दिख रहे होंगे। वेस्ट इंडीज का भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे RCPL 2008 से लेके RCPL यहाँ पे 2023 तक मेरा सारा कुछ यहाँ पे अनलॉक है। अब मैं आपको मोड्स में दिखा देता हूँ। मोड्स में यहाँ पे मेरे पास टूर और RCPL एक्शन दोनों चीज़ यहाँ पे अनलॉक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मेरा कंटिन्यू है या नहीं है। अभी अब मैं चलता हूँ बैक यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आउटगोइंग टूर्नामेंट। यहाँ पे मैं RCPL 2023 और WIPL तो दोनों मेरे यहाँ पे प्ले हैं, और मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैच प्ले कर सकता हूँ। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे टूर्नामेंट पे भी जाके आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, यानी कि मेरे प्ले या नहीं है, मेरे को प्राइज मांग रहा है या नहीं मांग रहा। तो मैं इंटरनेशनल पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर कप हो गया, जितने भी सारे टूर्नामेंट है मेरे सब अनलॉक आपको दिख रहा होगा। वर्ल्ड कप 2023 डोमेस्टिक में क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं WIPL भी यहाँ पे मेरा अनलॉक है, RCPL 2023 में कंटिन्यू कर रहा हूँ, टी10 प्रीमियम लेगीज भी मेरा, बस मेरे को 250 टिकट देना और मैं प्ले कर लूंगा। तो गाइस, मैं आपको बताया तो कि आपको रियल क्रिकेट 24 के अंदर कैसे ऑल टूर्नामेंट को अनलॉक करना है। सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेवल 100 करना है, यानी कि आपको लेवल अपना अप करना है। आपको लेवल अप करना है, आपको कैसे लेवल अप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजी, आप 5 से 10 दिन में अपना लेवल अप कर सकते हैं। लेवल अप करने का मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं कि क्या-क्या आपको फायदा है। तो मैं आप दिखा देता हूं यहां पे प्रोफाइल पे क्लिक करके, देन यहां पे आप देख सकते हैं एक लेवल से यहां पे 100 लेवल तक रिवार्ड है ना, वो सारे आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। 100 लेवल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आप लेवल अप कर सकते हैं, जैसे कि 85 हो गया आपको दिख रहा होगा। यहां पे आप RCPL एक्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहां पे RCPL 2022 भी है, 23 भी है। लेवल अप करने का फायदा मैं आपको बता दूं, लेवल अप करने का फायदा ये, अगर जो भी रियल क्रिकेट 24 के अंदर टूर्नामेंट ऐड होगा या फिर RCPL 2024 आने वाला है, वो सब आपको ऑलरेडी अनलॉक आपको मिलेगा। बस अपडेट के साथ आपको अपडेट करना है और सब कुछ आपको अनलॉक मिलेगा। तो आपको कैसे लेवल अप करना मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना टूर्नामेंट पे, और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको दिखेगा एसएस ट्रॉफी, या फिर आप खेल सकते हैं एसएस। तो मैं यहाँ पे एसएस आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी लेवल अप होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो टीम आपको देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। इसके आपको मैचेस दिखाए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 5 मैचेस। आपको 5ों मैच कंप्लीट करने हैं। आपको ऑटो प्ले करना है, आपको कोई मैच नहीं खेलना है, यानी कि पूरे मैचेस आपको नहीं खेलने हैं, आपको ऑटो प्ले करना है, और ऑटो प्ले से करके आपको 5ों मैचेस खेल देने। तो आपको यहाँ पे 1000 एक्सपी मिलेगा, यानी कि आपका अगर एक दो लेवल हुआ, 10-15 लेवल हुआ ना, तो एक दिन में आप कम से कम 15-15 लेवल अप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ और थोड़ा सा बैक जाके कि लेवल अप करने से फ़ायदा क्या है। आपको दिख रहा हो यहाँ पे 100 लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा 100 लेवल ऑलरेडी हो रहा है। तो लेवल अप करने का मैं आपको एक और बेनिफिट बता देता हूँ। तो क्विस्ट पे क्लिक करना है, आप अपने क्विस्ट से और मेरे से मिला लेना, यानी कि रिवार्ड से। तो मैं वॉच एंड पे विन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को कितना कॉइन और कितनी टिकट मिल रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको और बैग दिखा देता हूँ, यहाँ पे चैलेंज डे पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे को 250 और यहाँ पे नीचे 17 टिकट मिल रहा है दूसरे चैलेंज में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो खैर सबको सेम ही मिलता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। अगर आपका लेवल 100 नहीं है और मेरा लेवल 100 है, तो मेरे को आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा और एक्स्ट्रा मिलेगा। बस आज की वीडियो में बस यही बताने वाला था कि आपको कैसे आपको रियल क्रिकेट 24 के अंदर ऑल टूर्नामेंट को अनलॉक करना है। सबसे बेस्ट तरीका एक यही है कि आप लेवल अप कीजिए और अपने हर टूर्नामेंट को अनलॉक कीजिए। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।